देश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बजने वाला है। आचार संहिता लगने की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। देश में लोकसभा चुनावों को लेकर कभी भी आचार संहिता लग सकती है। लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, तो वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को फिर से मजबूत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा नजरें किस प्रदेश पर हैं? ये तो आप समझ ही गए होंगे कि वो प्रदेश है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में अभी 3 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार ने एक बार फिर से कांग्रेस के आला नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कांग्रेस के दिग्गजों का बीजेपी के पाले में जाना, इसके साथ ही राजस्थान से लगातार कांग्रेस का कमजोर होना कहीं ना कहीं कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा रहा है। लेकिन राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत की भूमिका लोकसभा चुनाव में क्या रहेगी? क्योंकि राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस समय अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही गई, गारंटियां बांटी गई, लेकिन ये गारंटियां लोगों को रास नहीं आई और एक भारी बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई। पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस छोड़कर उनके दिग्गज जा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस की चिंताएं अब बढ़ने लगी हैं। विधानसभा चुनाव में अपने चेहरे का जादू नहीं दिखा पाए अशोक गहलोत, क्या अब लोकसभा चुनावों में राजस्थान में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे? यदि अशोक गहलोत वो चेहरा नहीं है तो क्या सचिन पायलट को एक बार फिर से आला कमान मुख्य भूमिका में उनकी छवि को दिखाएगा? क्योंकि 2013 की अगर बात की जाए तो 2013 में जब कांग्रेस हारी थी उसके बाद 2018 में कांग्रेस ने पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और एक बड़ी जीत हासिल की थी। ऐसे में इन दिग्गज नेताओं की क्या भूमिका रहेगी, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे मेरे सहयोगी आदित्य के साथ। आदित्य, अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनावों से पहले कहा था कि मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन वो चेहरा लोगों ने नकार दिया था। बिल्कुल, आपने देखा होगा, दो सबसे पहले मैं वो घटनाक्रम में आपको याद दिलाऊंगा जाना चाहूंगा। 2020 का जो घटनाक्रम था, जब अल्पमत में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, सचिन पायलट पे आरोप लगे थे कि कोई साठ गांठ बीजेपी के साथ वो कर रहे हैं, माने सर वो चले गए थे। इसके बाद जो उठा पटक का दौर था वो कांग्रेस में अब तक थम्मे का नाम नहीं दे रहा है, इसका हर्जाना उनको विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। आपने बात की कि किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो विधानसभा चुनाव में भी जब ये प्रश्न अशोक गहलोत से किया गया था तो उन्होंने कहा था कि चेहरा सिर्फ एक ही है राजस्थान के अंदर, जबकि जब सचिन पायलट से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि किसी का चेहरा नहीं है, कांग्रेस पे के सिंबल पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कांग्रेस को देखकर लोग वोट करेंगे और सरकार बनाने का फिर से दावा किया था, लेकिन दोनों ही नेता एक साथ मंच पर नजर नहीं आए थे। अब अशोक गहलोत की भूमिका लोकसभा में क्या रहेगी, इसको लेकर चर्चा है। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई जिम्मेदारी दोनों ही बड़े नेताओं को राजस्थान के अंदर नहीं दी गई है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। महज 60 से 61 सीटें कांग्रेस यहाँ पर ला पाई थी और एक सीट जिस तरह से महेंद्रजीत मालवीय अब बीजेपी में शामिल हो गए तो एक सीट वो चले गई है, यानी अब 60 लगभग 60 के ऊपर, मैं सही कह रहा हूँ शायद 60 सीटों पर अब कांग्रेस यहाँ पर है और बीजेपी ने एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। कई तरह के चीजें इसके अंदर निकल के आई, विधानसभा चुनाव के बाद भी दोनों ही बड़े नेताओं ने एक दूसरे पर बातों ही बातों में आरोप प्रत्यारोप भी लगाए, लेकिन अब जब 195 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट जारी किए तो 39 सीटों पर सिर्फ कांग्रेस ने जारी किए हैं जिसमें राजस्थान का नाम अभी तक नहीं है। तो अब राजस्थान पे किस तरह की सोच अब आला कमान कांग्रेस रख रहा है ये अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। देखिए, राहुल गांधी की अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके बाद जो है कोई फैसला लिया जा सकता है, लेकिन मैं कहूंगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव के अंदर भी देखा था कि सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह से घमासान चला था दोनों ही नेताओं के बीच। अशोक गहलोत ने कहा था कि जिसने संकट के समय मेरा साथ दिया मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा और अपने लोगों को टिकट दिलाया। दूसरी तरफ सचिन पायलट के भी लोग मैदान में उतरे लेकिन सरकार नहीं बना पाए। क्या टिकट वितरण को लेकर अब भी वही जो मैं कहूंगा कि जो आमने सामने की लड़ाई है वो सामने आ सकती है, क्योंकि
देखा जाए तो जो लगातार विधान लोकसभा चुनाव से पहले ठीक पहले कांग्रेस से जो लोग छोड़कर लगातार जा रहे हैं बीजेपी के अंदर, तो एक बहुत बड़ा डैमेज कांग्रेस के लिए है। बिल्कुल, ये डैमेज आदित्य है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे अशोक गहलोत की भूमिका। देखिए, अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है। जब भी किसी स्टेट में कांग्रेस किसी संकट में फंसती थी तो वहां पर अशोक गहलोत को भेजा जाता था। बिल्कुल, लेकिन अब राजस्थान की कांग्रेस बड़े संकट में है और अशोक गहलोत। ललित, बिल्कुल मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था कि अब उनकी भूमिका क्या रहेगी। अब भूमिका वो खुद तैयार नहीं कर सकते राजस्थान के अंदर, आलाकमान से परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर आलाकमान कोई फैसला करेगा तब वो भूमिका में नजर आएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। जबकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है, क्या चीज कांग्रेस सोच रही है राजस्थान को लेकर अभी तक किसी भी नेता की समझ में नहीं है। इसके विपरीत नेता छोड़कर जा रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की नेताओं की कद्र नहीं है, तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं ये हतोत्साहित करने वाले हैं। ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति इस समय राजस्थान के अंदर कांग्रेस को चाहिए जो अपने कार्यकर्ताओं अपने नेताओं के अंदर जो है नई जान फूंक सके, लेकिन ये चीज अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दी है। अशोक गहलोत को आगे किया जाता है तो फिर वही मुद्दा उठेगा कि सचिन पायलट अशोक गहलोत की, अशोक गहलोत को इस बार फिर से कमान दी जा रही है तो सचिन पायलट से जुड़े जो लोग हैं वो या नाराज होते हैं। सचिन पायलट को अगर आगे किया जाता है या चेहरा बनाया जाता है तो अशोक गहलोत से जुड़े हुए नेता या नाराज होते हैं। आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में सही कैंडिडेट कौन हो सकता है कमान हाथ में देने वाला, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? ये देखिए, हम इसको लेकर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से कद देखा जाए तो अशोक गहलोत को काफी अनुभव है राजनीति का, राजनीति का जादूगर कहा जाता है। इसके विपरीत 2018 में जब पीसीसी चीफ, जिस तरह आपने कहा कि सचिन पायलट थे, उन्होंने वो लड़े झगड़े सरकार के खिलाफ, उन्होंने कई आंदोलन किए राजस्थान के अंदर और वो सरकार लेकर आए, तो ऐसे में ये तय करना कि कौन सा बड़ा नेता क्या रहेगा जिसके चेहरे पर, मेरा मानना है कि दोनों ही जो बड़े नेता हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी जाए। अगर उनको अलग अलग क्षेत्र सौंपे जाते हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस है जो फाइट में यहाँ पर आ सके, क्योंकि 25 सीटों पर जीत का दावा, क्योंकि एक चीज ये भी देखिए जिस तरह से बांसवाड़ा में और नागौर में स्थिति अब कांग्रेस की बिल्कुल कमजोर हो चुकी है तो वो गठबंधन की तलाश में है, तो स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी राजस्थान के अंदर नजर नहीं आ रही है। अब नागौर में आरएलपी से गठबंधन की बात चल रही है, भारतीय ट्राइबल पार्टी से जो आदिवासी एरिया है बांसवाड़ा उदयपुर हो गया या फिर बात करें डूंगरपुर हो गया, तो यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो ऐसे में भारतीय ट्राइबल पार्टी से भी बात लगातार बात कर रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट की, यहाँ बात जरूरी हो जाती है पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा। किसी भी राज्य में कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो काफी पावरफुल होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये नहीं लग रहा है कि यहाँ चर्चाएं गोविंद सिंह डोटासरा के इर्द गिर्द है ही नहीं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कांग्रेस को एकजुट करके रखें, जो नेता जा रहे हैं उनसे बात करें, समझाइश का प्रयास करें, कहीं पर भी कोई भी बयान नहीं आ रहा है। बड़े नेता जा रहे हैं, बिल्कुल ये, उनको जाने दिया जा रहा है। ये कांग्रेस में सबसे बड़ी ये कमजोरी फिलहाल ये देखने को मिली है कि जिस तरह से नेता छोड़ रहे हैं उसके बाद कोई समझाइश का दौर ही नहीं चल रहा है। सारा ध्यान राहुल गांधी की, महेंद्र मालवीय ने जब बीजेपी ज्वाइन की तो सारा ध्यान उस समय बड़े नेताओं का राहुल गांधी की यात्रा पे था। अब राहुल गांधी की यात्रा चली गई है, गुजरात में है, तब भी ध्यान वहीं केंद्रित कर रखा है। अजय माकन हो या फिर केसी वेणुगोपाल हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इसके अलावा तमाम जो बड़े जो नेता है कांग्रेस के, आलाकमान के जो नेता है, उनका ध्यान सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा पे है। ऐसे में जो इनका परिवार टूट रहा है, कांग्रेस टूट रही है, इसको लेकर अभी तक ना कोई बयान आया है। इसके विपरीत अशोक गहलोत ने बयान दिया कि जो जल्दी जाना चाहता है, आपके पास चेहरे कहाँ है? आपके पास चेहरे नहीं है राजस्थान के अंदर, आप किसको चुनाव लड़ाओगे? आप सोच रहे हो कि जो विधायक जीत के आए हैं, जो मजबूत विधायक है, उनको लोकसभा के अंदर उतारा जाए, लेकिन मैं कहूंगा कि लोकसभा और विधानसभा दोनों अलग अलग चुनाव होते हैं। इस बार लोकसभा का चुनाव बीजेपी सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है, ऐसे में कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसके ऊपर वो राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ सके। तो ये एक बात सोचनी होगी कांग्रेस को कि हमको हमारी आधार मजबूत करना होगा। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब राजस्थान पहुंचती है तो राहुल गांधी गारंटी की बात करते हैं। मणिपुर से वो चल के आए, बिहार तक आए, झारखंड आए, मध्य प्रदेश आए, उन्होंने कोई गारंटी की बात नहीं की, लेकिन युवाओं को लेकर उन्होंने यहाँ पर बात कही राजस्थान के अंदर। 5 गारंटियां युवाओं को लेकर वो
बोल के गए कि पेपर लीक से जुड़ा मुद्दा है उसको लेकर हम कानून बनाएंगे, इसके अलावा रोजगार देंगे और ये तमाम तरह की बातें वो कह के गए। तो यानी युवाओं को तो साधने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अपने ही नेता उनसे नहीं सद पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती इस समय कांग्रेस के सामने है। बिल्कुल, कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। फिर से मेरा वही मुद्दा, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है अशोक गहलोत की भूमिका, क्या पुत्र मुंह में एक बार फिर से वो अपने कदमों को पीछे खींच रहे हैं? ये देखिए, अभी तक टिकट डिसाइड नहीं हुआ है, जब तक टिकट बेटे का तो कंफर्म है। देखिए जिस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं अपने क्षेत्र जालौर से, शायद वो तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जो भी जिम्मा उनको सौंपा जाएगा वो निर्वाह उसको करेंगे, लेकिन अशोक गहलोत की भूमिका की बात यह है कि आपको फ्रंट में उतारना पड़ेगा, बहुत बड़े नेता हैं, आपको फ्रंट में लाना पड़ेगा, चेहरा बनाना पड़ेगा। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर राजस्थान के अंदर अगर आपको नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यदि बीजेपी चुनाव लड़ रही है तो अशोक गहलोत को राजस्थान में अपना चेहरा शायद कांग्रेस को यहाँ पर बनाना चाहिए, इसके अलावा मुझे लगता नहीं है। हालांकि देखिए सचिन पायलट को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, हमने देखा कि जब 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो आप देखिए पूर्वी राजस्थान से लगभग 18 से 19 सीटें कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार वो अपना गढ़ बचा नहीं पाई कांग्रेस यहाँ। कांग्रेस इस बार कहीं पे भी अपना गढ़ नहीं बचा पाई, तो ये 17 से 18 मंत्री हार गए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको दायित्व देने पड़ेंगे अलग अलग नेताओं को, अलग अलग क्षेत्र देने पड़ेंगे, तभी आप इस चुनाव के अंदर यहाँ पर फाइट बैक कर सकते हो। बिल्कुल, बात यहाँ पर थी अशोक गहलोत के जो भूमिका है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, तो राजस्थान की जो डोर है वो कांग्रेस की लगातार कमजोर हो रही है। विधानसभा चुनाव में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, अभी इस बड़ी हार से उभरे भी नहीं थे कि उनके दिग्गज कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी की गोदी में जाके बैठ रहे हैं। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट पर फिर से भरोसा जताएगी, या फिर अशोक गहलोत के चेहरे पर राजस्थान में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा? और जिस हिसाब से कांग्रेस छोड़कर जो कांग्रेस के दिग्गज जा रहे हैं, क्या इन दिग्गजों को मनाने के यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसकी जवाब है वो पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की चुप्पी लगातार कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं कांग्रेस कमजोर और बीजेपी मजबूत होती जा रही है। ऐसी ही राजनीतिक अपडेट्स के साथ के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज की खास पेशकश चुनावी नगरी।